हेलो ब्यूटीफुल पीपल एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पहले सभी को मैं विश कर दूं, आज है 24th of October, मंडे। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी काली पूजो एंड हैप्पी लक्ष्मी पूजो। सो काफ़ी लोगों के घर में डिफरेंट टाइप का सेलिब्रेशन हो रहा होगा एंड हमारे घर पे अभी तक चल रहा है साफ सफाई एंड ऑल थैंक्स टू पंकज, क्योंकि पंकज पूरा साफ कर रहा है। मैं तारीफ कर रही हूँ तुम्हारी। हाँ सो मैंने छोटा सा ही पूजा किया है, ज़्यादा कुछ नहीं। मैंने मतलब एक प्रसाद के तौर पे कुछ रखा जो कि पोहे का होना है, सो पोहे का ही मैंने रखा। सो अभी मैं बनाने वाली हूँ सुबह का पहला चाय हम लोगों के लिए एंड ब्रेकफास्ट जो कि पोहे का ही रहेगा, जिसमें जाएगा ढेर सारे ऑनियन एंड आलू, क्योंकि मुझे बहुत 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 पसंद है। मैं चेक करती हूँ, मटर भी है, थोड़ा मटर भी डाल दूँगी। यस सो अभी मैं पहले ही बना लेती हूँ हमारा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट बनने में टाइम है, पोहा बनने में टाइम है, सो उससे पहले एक कप चाय अच्छी बनी। सो ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद हम लोग जाएंगे बाहर, क्योंकि कुछ सामग्री हमें खरीदना है। इवनिंग को होने वाला है लक्ष्मी पूजा। एक्चुअली मैंने ना सोचा था कि इस साल से मैं काली पूजा भी स्टार्ट करूंगी घर पे, बट दीदी ने मुझे कहा कि एक्चुअली दीदी ने सही कहा है कि अगर मैं स्टार्ट करूंगी तो एवरी ईयर आई हैव टू कंटिन्यू एंड बाय चांस किसी भी ईयर अगर मुझसे मिस हो गया तो शायद अच्छा ना हो। मीन्स होता है ना, मीन्स इफ यू स्टार्ट विथ समथिंग सो यू शुड कंटिन्यू इट यू नो एंटायर लाइफ। सो कुछ लोग बंद भी कर देते हैं, मीन्स अभी ये मानना ना मानना मतलब अपनी सोच के ऊपर है। तो बाद में मैंने रियलाइज किया कि लक्ष्मी पूजा तो मैं करती हूँ, क्योंकि एक पूजा तो यह साल में मुझे करना चाहिए, तो वो लक्ष्मी पूजा मैं करती हूँ, तो लगे हाथ काली पूजा भी हो जाएगा। पर मैं एक्चुअली सोची थी करूंगी एंड जिसके लिए मुझे एक्चुअली उनका फोटो भी चाहिए था, तो मैंने ऑर्डर नहीं किया। पर अगले साल क्या, मैं अगले महीने ही मैं ऑर्डर करूंगी काली माँ का एक फोटो। सो क्योंकि अभी कलकत्ता जाके तो मैं सर्च नहीं कर सकती गोवा में रहकर, तो मैं सोच रही हूँ कि काली माँ का भी एक फोटो मैं रखूँगी मंदिर में। सो अगले साल से 2-in-1 हो जाएगा, दिवाली भी हो जाएगा, लक्ष्मी पूजा भी हो जाएगा, काली पूजा भी हो जाएगा। सो चाय पी लें, ब्रेकफास्ट कर लें, फिर निकलते हैं, देखते क्या क्या मिलता है हमें।
बिजू बेबी, डेजी इज वेरी बिजी, क्योंकि पंकज कर रहा है वहाँ पे कटिंग और उसको लग रहा है वो खाना, एक्चुअली वो खाना ही है पर डेजी का खाने लायक चीज़ नहीं है। मैं बैठे आराम कर रही हूँ क्योंकि उसके बाद शाम को जो मेरा काम रहेगा वो कौन करेगा? हाँ, मुझे 5 बजे से सारे प्रिपरेशन स्टार्ट करने पड़ेंगे। पूजा है ना? यस, तुम्हारा ऑफिस का काम। हाय बोलो। हाय। अरे इधर देख के बोलना, मेरे तरफ देख के बोलना। क्यों? नहीं, मेरे मेरे पास मेरा फ़ोन है ना, और मेरे फ़ोन का कैमरा ऑन है और कैमरा तुम्हारे तरफ है। हाय भगवान, छुरी दिखाते हुए। हाय। एंड डेजी का तबीयत कुछ समझ में नहीं आता है, पर इसको बुखार है नहीं, बुखार इज गॉन एंड शी इज़ मैड। कल तो इसका हालत ख़राब था, हमें लगा इसका डेट स्टार्ट हो गया। ऐसा एक्चुअली 2-3 दफ़ा समझ में आया कि डेट स्टार्ट हो गया, पर आज तो कुछ भी नहीं हो रहा है। सो शी इज़ फ्री टू रोम हियर एंड देयर। मैं कर रही हूँ आराम, चावल बैठा दिया है पकने के लिए एंड थोड़ा कुछ एक डिश बनाए थे वो है, सो वो हमारे दोपहर को हो जाएगा। सो तामड़ी भाजी मतलब रेड स्पिनच जो है उसका बनने वाला है सब्जी एंड वही हमारा आज का लंच होगा सिंपल सा। रात को बनने वाला है स्पेशल बोल नहीं सकते क्योंकि काफ़ी बार बना चुकी हूँ, पर बनने वाला है पाव भाजी। एक्चुअली पकौड़ा वगैरह भी बनाने का बड़ा मन था, बट मैं सोच रही हूँ कि दाल है ना, दाल को भिगो कर रखूँगी, उसका पकौड़ा करेंगे। दाल का पकौड़ा बहुत अच्छा लगता है। सो दाल का पकौड़े का मैंने रेसिपी मेरे कई यू नो ब्लॉग्स में मैंने शेयर किए थे जब उस घर में थे, तो वो बनेगा शाम को। देखिए इस आदमी को गौर से देखिए, किस तरीके से अपनी बेटी को टॉर्चर करता है एंड इसको भी बड़ा मज़ा आता है, इसे कोई तकलीफ नहीं। देखो 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 मेरे सोना बाबा का चेहरा देखो, कितनी प्यारी ही है। स्पेशली तीज के आँखें, आँखों से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा। सो राइस तो हो चुका है, यहाँ पे अभी बन रहा है ये रेड स्पिनच जो मुझे बहुत 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 पसंद है। कब लेके आई थी, बनाया ही नहीं गया, मतलब बना ही नहीं रही थी, तो आज फाइनली बन गया। अभी और थोड़ा सा इसे अच्छे से पकना है एंड देन अच्छे से मिक्स करूँगी क्योंकि एकदम फुला फुला सा रहता है ना। और मैंने मूंग का एक ये बनाया था, दिखाती हूँ। ये मूंग का ग्रेवी बनाया था जिसका पानी थोड़ा कम हो गया है, तो ये ऐड कर रही हूँ। तो ये हमारा आज का लंच में हो जाएगा। ओके, ये इंडक्शन के लिए नहीं है, मुझे लगा ये इंडक्शन में बैठ जाएगा पर नहीं। सो अब एक काम करते हैं, राइस को इंडक्शन में शिफ्ट करती हूँ और इसे स्टोव में। सो स्टोव में मैंने शिफ्ट कर दी एंड अभी इसे थोड़ा गर्म होने देते हैं और तब तक ये भी कुक हो जाएगा। वैसे ये दिखा दूँ आप लोगों को, ये चिमनी को हमने कवर कर दिया विथ पेपर बिकॉज कुछ फ़ायदा नहीं है इसका यूज़ करने का, बल्कि उल्टा पूरा तेल तेल हो जाता है एंड ऑब्वियसली इसका कभी कभी चला लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं, पर क्या होता है ऊपर ही जाता है, देखो क्या हालत है। सो इससे बेटर है कि इसे इस्तेमाल ही ना करें, बार बार साफ़ करने का भी टेंशन रहता है। सो न्यूज़पेपर इज़ जिंदाबाद। सो खाना बन जाने के बाद फिर हम लंच कर लेंगे क्योंकि मुझे अभी भूख लगने लगी है, मैंने ठीक से अपना ब्रेकफास्ट नहीं किया आज। मुझे खाने का ज़्यादा समय मन नहीं हो रहा था बट लंच तो करना है। पंकज पापड़ करोगे ना? पापड़ फ्राई करोगे ना? डन, तो पापड़ फ्राई भी रहेगा। टुकी, देखो 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 ये ना सच। किस
इसको जरा सा भी सेंस नहीं है मेरे ऊपर किस तरीके से मेरे पेट के ऊपर से, थैंक गॉड उसके नाखून नहीं लगे, छिले नहीं, मेरे कपड़े फटे नहीं। उसने तो मेरे सारे लेगिंग्स का वाट लगा दिया है, मेरे पास अभी लेगिंग्स है ही नहीं, वो घर पे ही जस्ट पहनती हूँ, फटे हुए वो भी, तो अभी तक मैंने लेगिंग्स नहीं खरीदा। बाय सो पूजा हो चुकी है, कुछ इस तरीके से सजाया गया है। और यहाँ पे पंकज डेजी का फोटो सेशन कर रहा है। अरे इस थोड़ी देर पहले बहुत अच्छा इसने पोस्ट दिया था, तुमने लिया फोटो, सेंड करना। देखिए आगे का देखो, आगे का, हाँ ये भी अच्छा है, देखो फिर से बैठ गए, ये आंखें एकदम आंखें, और इसके चेहरा तो समझ में ही नहीं आ रहा। तो आज का रंगोली, एक्चुअली मैंने व्लॉग्स तो नहीं बनाए पर कल भी मैंने रंगोली बनाई थी। सो ये रहा कुछ इस तरीके से दिख रहा है आज का रंगोली। यहाँ पे भी थोड़ा सा किया है बिकॉज दिया लगाना है इसलिए। और मैंने ये साड़ी पहनी है जो मुझे बहुत पसंद है एक्चुअली। सो ये साड़ी आई थिंक गणेश चतुर्थी का जो पहला दिन हम लोग गए थे ना तब पहनी थी, फिर तो अगले दिन मेरा हैप्पी बर्थडे हो गया था। सो अभी सच कहो तो यार डिनर का कुछ प्लान नहीं है बिकॉज मैंने कुछ बनाया ही नहीं है, मेरा सच में मन नहीं हो रहा है कुछ भी बनाने का। मेकअप कुछ ज़्यादा नहीं, जस्ट आई शेडो लगाई मैंने, एंड मैंने आईब्रोज भी नहीं किए क्योंकि आईब्रोज करने का वक्त ही नहीं मिला। सो आईब्रोज तो पूरा बकवास होके बैठा है, एंड देन लिपस्टिक। सो टैरेंग ये सारी वैसे भी आप लोग देख चुके हो पहले। सो फाइनली हो गया, एंड नाउ आई विल टेक रेस्ट बिकॉज बहुत पसीना आ गया तो मुझे आई विल चेंज ऑल्सो। सो हमारे ठीक बाजू में एक फ्लैट है जहाँ पे गुजराती फैमिली रहते हैं, उन्होंने ये हमारे लिए भेजा। ढोकला है, मुझे उतना खास पसंद नहीं है पर फिर भी मैं खाऊंगी, अच्छा दिख रहा है, टेम्पटिंग एकदम। ले सकते हो क्या ले सकते हो? एक ही खा गया, एक से ज्यादा नहीं खा पाती। Hey, good morning, welcome back to our channel. आज है next day, so कल और व्लॉग कंटिन्यू नहीं की, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही थी एक्चुअली, एंड सच बोलो तो काम करने का ही मन नहीं था। दिवाली है यार, मुझे तो ब्रेक में रहना चाहिए, मुझे तो आराम करना चाहिए ऐसा है, एंड कुछ शूट करने था नहीं तो इसलिए शूट नहीं किया। वैसे बाहर से कल डिनर ऑर्डर किया था, पालक पनीर और ये क्या बोलते हैं रोटी, जो कि बहुत अच्छा था। फिर हमने खाए, एंड हमने नया सीरीज स्टार्ट किया देखना जो कि है द वैम्पायर डायरी, जो अच्छा जा रहा है, अच्छा है। सो पंकज ने बनाया सुबह डबल हाफ फ्राई अंडे का, और ये रहा सुबह का पहला चाय। ये नो ये जो क्या बोलते हैं ग्लास सॉरी कप है, दिखने में बहुत अच्छा है बट बहुत जल्दी गर्म चीज़ें ठंडा हो जाता है, ये एक डिसएडवांटेज है इसका, मैं दोबारा ऐसा नहीं खरीदने वाली। सो चलिए गाइस कल का ब्लॉग यहाँ पे ही आज एंड करते हैं, मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ। शायद न्यू ब्लॉग आज का मीन्स शायद अभी मैं रेगुलर हो जाऊँगी, एक्चुअली इंकरेजमेंट नहीं मिलता ना इसलिए लेजी। मिलती हूँ, टाटा।